गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी हैव टू रीड फ्रॉम पेज नंबर 72, लास्ट पैराग्राफ। वन डे ही इन्वाइटेड मी, एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि एक दिन उन्होंने मुझे इन्वाइट किया। ये यहाँ पे बात हो रही है उनके टीचर के बारे में, जिनका जो नाम था वो शिव सुब्रमण्यम आयर था, सुब्रमण्या आयर। तो वो कहते हैं कि एक दिन उन्होंने मुझे इन्वाइट किया टू हिज होम फॉर अ मील, भोजन के लिए अपने घर पे। हिज वाइफ वॉज हॉरिफाइड, तो उनकी पत्नी जो थी वो भयभीत हो गई, डर गई एट द आइडिया, इस विचार पर ऑफ अ मुस्लिम बॉय, कि एक मुस्लिम लड़का बींग इन्वाइटेड, आमंत्रित किया गया टू डाइन, खाने के लिए, इन हर रिचुअली प्योर किचन, उनके धार्मिक रूप से शुद्ध रसोई में। तो उनकी जो पत्नी थी उनके टीचर की, तो उनको इस विचार पर वो थोड़ी डर गई कि एक मुस्लिम लड़का उनकी धार्मिक रूप से शुद्ध जो किचन था, रसोई थी, उसमें खाने के लिए उसको इन्वाइट किया गया। शी रिफ्यूज टू सर्व मी इन हर किचन, तो वो उन्होंने मुझे अपने किचन में सर्व करने से मना कर दिया, खाना खिलाने से मना कर दिया। शिव सुब्रमण्या आयर वॉज नॉट परटर्ब्ड, और जो उनके टीचर थे शिव सुब्रमण्या आयर वो परेशान नहीं हुए। नोर डिड ही गेट एंग्री विद हिज वाइफ, ना ही वो अपनी पत्नी से नाराज हुए, बट इंस्टेड सर्व्ड मी विद, पर इसके बजाय सर्व्ड मी विद हिज ओन हैंड्स, उन्होंने मुझे अपने हाथों से सर्व किया। एंड सेट डाउन बिसाइड मी टू ईट हिज मील, और अपना भोजन करने के लिए मेरे पास बैठ गए। हिज वाइफ वॉच्ड अस फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर, और उनकी पत्नी ने किचन के दरवाजे के पीछे से हम दोनों को देखा। आई वंडर्ड वेदर शी हैड ऑब्जर्व्ड एनी डिफरेंस इन द वे आई एट राइस, ड्रैंक वाटर एंड क्लीन द फ्लोर आफ्टर द मील, और मैं हैरान था कि क्या वो मुझे, उन्होंने ऑब्जर्व किया था, मुझे देखा था, क्या उन्होंने कोई डिफरेंस देखी थी, कोई अंतर नजर आया था इन द वे, उस तरीके से आई एट राइस, जिस तरीके से मैंने चावल खाए, पानी पिया, एंड क्लीन द फ्लोर, और फ्लोर को, फर्श को साफ किया भोजन करने के बाद। यानी कि मुझे हैरानी हो रही थी कि क्या उन्होंने मुझे, मेरे तरीके में कोई अंतर महसूस किया था, अंतर देखा था, जिस तरीके से मैंने चावल खाए, पानी पिया, या फर्श को साफ किया भोजन करने के बाद। व्हेन आई वॉज लीविंग हिज हाउस, जब मैं उनके घर से जा रहा था, शिव सुब्रमण्या आयर इन्वाइटेड मी टू ज्वाइन हिम फॉर डिनर अगेन द नेक्स्ट वीकेंड, तो मेरे टीचर शिव सुब्रमण्या आयर ने मुझे इन्वाइट किया दोबारा से डिनर के लिए अगले वीकेंड पर। ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन, और मेरी हिचकिचाहट देखकर, ही टोल्ड मी नॉट टू गेट अपसेट, उन्होंने मुझे कहा कि मैं परेशान मत हों, सेइंग, ये कहते हुए, वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम, अगर आप एक बार इस व्यवस्था को बदलने का फैसला कर लेते हो, सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंटेड, तो आपको ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, कन्फ्रंट का मतलब फेस करना। व्हेन आई विजिटेड हिज हाउस द नेक्स्ट वीक, और जब मैं अगले वीक उनके घर गया, शिव सुब्रमण्या आयर्स वाइफ टुक मी इनसाइड हर किचन, तो शिव सुब्रमण्या आयर की पत्नी मुझे अपने किचन में ले गई, एंड सर्व मी फूड विद हर ओन हैंड्स, और अपने हाथों से मुझे उन्होंने भोजन सर्व किया। देन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ओवर एंड इंडियाज फ्रीडम वॉज इमिनेंट, और फिर दूसरा विश्व युद्ध जो था वो खत्म हो गया, और भारत की जो आज़ादी थी वो उसको मिलने ही वाली थी। इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया, डिक्लेयर्ड गांधी जी ने घोषणा की कि भारतीय जो है वो अपना खुद का भारत बनाएंगे। द होल कंट्री वॉज फिल्ड विद एन अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म, और पूरा देश एक अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है अभूतपूर्व, यानी कि जो पहले से ही हो जाए, अभूतपूर्व आशावाद से भर गया था पूरा देश। आई आस्क्ड माय फादर फॉर परमिशन टू लीव रामेश्वरम एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन रामनाथपुरम, तो आगे एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि मैंने अपने फादर से परमिशन ली कि मैं रामेश्वरम छोड़कर जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, जिला मुख्यालय रामनाथपुरम में, जो रामनाथपुरम था वो डिस्ट्रिक्ट उनका जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, और रामेश्वरम में वो रहते थे, रामेश्वरम एक छोटा सा टाउन था, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में पढ़ने के लिए परमिशन ली। ही टोल्ड मी एज इफ थिंकिंग अलाउड, और उन्होंने मुझे कहा, जैसा कि वो बहुत ऊंचा सोच रहे हो उनके फादर अबुल, आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो,
मैं जानता हूं कि तुम्हें ग्रो करने के लिए यानी कि आगे बढ़ने के लिए तुम्हें जाना होगा, अवे मतलब दूर जाना होगा। डज द सीगल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन अलोन एंड विदाउट अ नेस्ट, क्या कोई समुद्री चिड़िया धूप के लिए अलोन अकेली या फिर बिना घोंसले के नहीं उड़ती। ही कोटेड खलील गिब्रान टू माई हेजिटेंट मदर, और जो उनकी मदर थी वो थोड़ी हेजिटेट कर रही थी, थोड़ी सी हिचकिचाहट हो रही थी उनको भेजते हुए कलाम को शहर में। तो ही कोटेड खलील गिब्रान, उन्होंने खलील गिब्रान के जो विचार थे उनके उनको कोट करते हुए उनकी जो हेजिटेंट मदर थी उनको कहा, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, कि तुम्हारे बच्चे सिर्फ तुम्हारे ही बच्चे नहीं हैं। दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इट सेल्फ, यानी कि वो अपनी अपने जीवन की इच्छाओं के भी बच्चे हैं, अपने जीवन की इच्छाओं के भी बेटे और बेटियां हैं, यानी कि उनके जीवन में भी अपनी इच्छाएं हैं। दे कम टू थ्रू यू, वे तुम्हारे माध्यम से इस दुनिया में आए हैं, बट नॉट फ्रॉम यू, पर तुमसे नहीं। यू मे गिव दैम योर लव, तुम उन्हें अपना प्यार दे सकती हो, बट नॉट योर थॉट्स, पर अपने विचार नहीं, यानी कि तुम अपने विचार उनके ऊपर नहीं थोप सकती। फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स, क्योंकि उनके अपने खुद के विचार हैं। APJ अब्दुल कलाम, एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर जो है वो उनकी ऑटोबायोग्राफी है, और उनमें से ये एक एक्सट्रैक्ट है, एक अंश है, एक छोटा सा पार्ट है। सो दिस लेसन इज कंप्लीट नाउ।